और सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। योगाचार्य, आयुर्वेद विशेषज्ञ, अध्यापकगण, छात्र छात्राएं और यहां उपस्थित आयुर्वेद प्रेमी सभी महानुभाव, धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस की आप सभी को और पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रकार से विधिवत रूप से दीपावली का त्यौहार भी आरंभ हो जाता है। मैं देशवासियों को और विश्व में फैले हुए सभी भारतीय समुदाय को दीपावली के पावन पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया कि देश की बहुतेक आयुर्वेदिक कॉलेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने और इस संस्थान की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय को और उस मंत्रालय से जुड़े सभी महानुभावों को मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, कोई भी देश विकास की कितनी ही चेष्टा करे, कितना ही प्रयत्न करे, लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी उज्जवल परंपराएं, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। अपनी विरासत छोड़ करके आगे बढ़ने वाले देशों की पहचान खत्म होना तय होता है। साथियों, अगर हमारे देश का इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि वो दौर इतना समृद्धिशाली था, शक्तिशाली था कि जब बाकी दुनिया ने उसके विषय में जाना, पहचाना, देखा तो लग गया कि भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता से मुकाबला असंभव है। और इसलिए इतिहास बताता है कि उन्होंने अलग मार्ग अपनाए। हमारे पास जो श्रेष्ठ है उसे ध्वस्त करना, ये रास्ता शायद उनको ज्यादा उचित लगा। अपनी लकीर लंबी करने के बजाय हमारी लकीर छोटी करने के लिए शक्तियां जुट गई और गुलामी के कालखंड में हमारी ऋषि परंपरा, हमारे आचार्य, हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक, हमारा ज्ञान, हमारे योग, हमारे आयुर्वेद, इन सभी की शक्ति का उपहास उड़ाया गया, उसे कमजोर करने की कोशिश हुई और यहां तक कि उन शक्तियों पर ही हमारे लोगों के बीच आस्था कम होने लगी। जब गुलामी से मुक्ति मिली तो एक उम्मीद थी कि जो बच पाया है उसे संरक्षित किया जाए, समय के अनुकूल परिवर्तन किया जाए, लेकिन ये भी दुर्भाग्य से
प्राथमिकता नहीं बनी। जो था उसके हाल पर छोड़ दिया गया। हमारी शक्तियों को गुलामी के कालखंड में नष्ट करने का प्रयास हुआ और आजादी के बाद एक लंबा समय ऐसा आया जब इन शक्तियों को भुलाने के प्रयास बंद नहीं हुए। एक तरह से अपनी ही विरासत से मुंह मोड़ लिया गया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जिसका इनॉग्रेशन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और वहीं संबोधित भी कर रहे थे, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे।